पायलट साहब, राहुल जी की जो संसद की बहाली के बाद कल सबसे बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में हो रहा है, आप लोग वहाँ जा रहे हैं, मानगढ़ में क्या कहेंगे सब आदिवासियों के बीच जा रहे हैं? राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से ये कानून जो है मानहानि का, ये 150 साल पुराना है। इस कानून में प्रावधान सबसे ज़्यादा सज़ा 2 साल की होती है। 150 साल में कभी किसी व्यक्ति को 2 साल की सज़ा हुई नहीं है। अगर 1 साल 11 महीने 29 दिन की होती है तो सज़ा जाती नहीं है। तो भाषण कर्नाटक में दिया, गुजरात के किसी व्यक्ति ने मानहानि का मुकदमा दायर किया, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ने सज़ा दे दी, और सज़ा ऐसी दी ताकि कन्विक्शन 2 साल का हो और उनकी सज़ा चली जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि लोकतंत्र जीवित है, और इस प्रकार से षड्यंत्रपूर्ण तरीके से किसी नेता की आवाज़ को दबाना चाहो तो हम होने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा है, आगे रखते रहेंगे। जो हमारा अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो और मजबूत होकर उभरेगा। आपने देखा होगा कि राहुल जी का जब से ये निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट में और आज वो सदन में गए हैं, एक नई ऊर्जा पार्टी के लोगों के अंदर आएगी और विपक्ष की तमाम जो ताकतें हैं वो और मजबूत होकर आगे वाले चुनौती का सामना करेंगे। पहला पब्लिक फंक्शन है राहुल जी राजस्थान लगातार आते रहते हैं, सोनिया गांधी जी बार बार आई हैं, राजस्थान के लोगों से बहुत उनका लगाव रहा। मानगढ़ में एक बहुत विशाल कार्यक्रम कल होने जा रहा है। राहुल गांधी जी, आपने सही कहा कि सदस्यता बहाल होने के बाद पहला उनका पब्लिक प्रोग्राम है जिसके लिए वो राजस्थान आएंगे। उनका पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश की जनता सहर्ष उनका स्वागत करेगी, और कल की जो मीटिंग होने जा रही है वह ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है।